जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान शादी में जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पर ही बेसुध हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शादी में तेज आवाज़ में डीजे बज रहा था, इसी आवाज़ की वजह से दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने उसे हार्ट अटैक की वजह से मृत घोषित किया है। घटना बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के सोनबा थाना क्षेत्र के इदरवा गांव की बताई जा रही है। दूल्हे ने कई बार डीजे को दूर ले जाने का कहा था, लेकिन कोई ने लापरवाही के कारण जयमाला खत्म होने से पहले दूल्हे अचानक से स्टेज पर ही बेसुध हो गया था। घटना के बाद परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और इसी दौरान उसे सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। वही मृतक की पहचान परिहार के मनीथर गांव वार्ड नंबर 9 के रहने वाले स्वर्गीय गुदर राय के बेटे सुरेंद्र कुमार 30 वर्षीय के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान पूरे शादी के माहौल में गम का माहौल बन गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।